अब नहीं हिल रहा, पहले से हिल रहा था टायर। बोल दे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखो देखो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बोल दो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम ईशान है। ईशी सो हेलो वेलकम टू माय चैनल। मैं निशान। गाइस बहुत दिनों बाद व्लॉग आ रहा है क्योंकि मेरी बाइक का जो मोनोशॉक है वो खराब हो गया था, इसलिए मैं कहीं राइड पे नहीं जा पा रहा था और मेरे पैर पे चोट भी लग रही थी, तो आपको पता है स्टिचेस आए हुए थे, तो इस वजह से मैं कहीं राइड पे नहीं जा रहा था। अब मोनोशॉक में क्या दिक्कत आई है कि उसका जो बुश है वो कट गया है और अब वो मोनोशॉक जो है हीरो सर्विस सेंटर पर मिल नहीं रहा है। तो वेटिंग पीरियड दिखा रहे हैं वो 15-20 दिन लगेंगे उसको आने में। हमारे यहाँ पे 2-3 जगह है जहाँ पर जो है शॉकर रिपेयर होते हैं और मौसम थोड़ा बादलों वाला हो रहा है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो चलते हैं रास्ते में दिखाते हैं आगे। जो है बाइक ठीक कराने निकल गया हूँ मैं, अब देखते हैं यार आज हो पाती है नहीं हो पाती। उम्मीद है हो जाएगी क्योंकि अपने को ठीक करानी पड़ेगी ही पड़ेगी भाई, और ऑप्शन है नहीं। हीरो वाले के पास तो स्पेयर पार्ट्स की कमी रहती है हमेशा, पेट्रोल भी नहीं है बाइक में, बिल्कुल खाली पड़ी है। ये सर्विस सेंटर वाले जो है ना हमारी बाइक्स के पेट्रोल ही निकाल के सफाई करते हैं, वो सही हो जाना चाहिए क्योंकि यार अपने को जाना है पहाड़ों पे और पहाड़ों पे जाना है ऑफ रोड वाली जगहों पे, तो बाइक के शॉकर्स जो है बढ़िया होने चाहिए, मोनो शॉक बढ़िया होना चाहिए, रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बोलूँगा भाई बढ़िया पक्का काम बढ़िया करके दे। अच्छा मौसम जो है देखने में लग रहा है बड़ा अच्छा हो रहा होगा, मतलब कैमरा में लग रहा होगा भाई क्या बढ़िया मौसम हो रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये पूरा माहौल बन रहा है बारिश के लिए, बढ़िया सी बारिश आने वाली है। पहले चलते हैं भोपरा साइड, वहाँ पे भोपरा साइड भी है काफ़ी सारे मैकेनिक्स, उनको दिखाते हैं, फिर वहाँ नहीं हुआ तो गोकुलपुरी चलेंगे, गोकुलपुरी में तो हो जाना चाहिए, फिर गोकुलपुरी भी नहीं हुआ तो फिर कल जाएंगे करोल बाग, अब देखते हैं कहाँ पे होता है काम सही। तो यार कल है मुहर्रम तो यहाँ पे सारे रास्ते जो है बंद कर रखे हैं और शॉप्स भी आधी से ज़्यादा बंद हैं, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे कोई, देखते हैं अब थोड़ा सा और ट्राई मारते हैं, नहीं मिला अगर तो फिर गोकुलपुरी चलेंगे। ये क्या हो रहा भाई, तलवारें ले लेके घूम रहे हैं यहाँ पर, बताओ। यार मैं पहुंच गया हूँ शॉप पर और यहाँ पर मुझे लगता है काम हो जाएगा, देखते हैं। अभी बाइक खोल दी है पूरी और उसके बाद देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो है मेरा काम हो रहा है, अब देखते हैं कितनी देर लगती है क्योंकि बहुत सारा काम है और इन्होंने बिना टायर खोले लगाने की ट्राई कर रही है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर टायर खोलना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे लगता है काम हो जाएगा और अपनी बाइक हो जाएगी रेडी राइड के लिए। अब नहीं हिल रहा, पहले से हिल रहा था टायर। चलो काम। अबे यार हाथ गंदे हुए। तो यार मैं सब जगह घूमाया, काम मेरा यहीं पास में हो गया दिलशाद गार्डन में, तो रबड़ जो थी शॉकर की जो कट गई थी वो चेंज हो गई। सर्विस सेंटर में इसका खर्चा बता रहे थे कि भाई हम रिपेयर नहीं करते, हम बुश डालते नहीं है रबड़ जो होती है उसकी, हम सीधा भाई पूरा शॉकर ही चेंज कर देते हैं। मैं वो भी करने को तैयार, वैसे शॉकर में कोई ख़राबी नहीं है, मोनो शॉक जो है इसका बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं उसको भी चेंज करवाने को तैयार था लेकिन पार्ट ही अवेलेबल नहीं है, बताओ। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था यही वाला काम करवाने के अलावा, थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेंगे 100-150 रुपये का, ज़्यादा नहीं डलवाएंगे, ज़्यादा डलवाएंगे बढ़िया जगह से जो चोरी ना करता हो पेट्रोल की। हर शहर में एक पेट्रोल पंप ऐसा ज़रूर होता है जो चोरी करता है,
आपके यहाँ भी होगा। तो गाइस फाइनली मैं घर पे आ चुका हूँ और बहुत ही ज्यादा गर्मी है बाहर। जो बाइक का काम करवाना था वो हो चुका है, मात्र 250 रुपए में मेरी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। आई होप ये प्रॉब्लम दोबारा नहीं होगी। सर्विस सेंटर वालों ने तो गोली दे दी थी तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास ऑप्शन था नहीं, तो मेरे को ये बाहर से ही करवाना पड़ा काम। तो यार बात ये है कि अभी मैं राइड की कुछ प्लानिंग कर रहा हूँ, मैं अभी जगह मैंने डिसाइड नहीं करी है, तो जगह मैं आपको कुछ दिन बाद ही बताऊंगा। अभी राइड पे निकलने में है कुछ टाइम, 4-5 दिन 6-7 दिन है, तो उसके बाद ही निकलेंगे। तब तक तैयारियां करेंगे। मेरा रूम जो है पूरी तरह से बिखरा पड़ा हुआ है समय, और सारी चीजें जो है उथल पुथल हो रखी है, पहले उन सब चीजों को सेटल करेंगे, जो है अपने को पता लगे यार सामान है कहाँ पर। क्योंकि जब मेरे चोट लगी थी तो मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया था, जो चीज जहाँ पड़ी है पड़ी है। तो ये देखिए ये सब सामान पड़ा हुआ है, ये जो है अपने स्लीपिंग बैग्स पड़े हुए हैं, बैग पड़े हुए हैं, और ये देखो मेरा डेस्क, इसकी हालत देखो, यहाँ पे क्या क्या पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं, ऐसे कई दिन से पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पर टेबल पे मैंने वीडियो बनाई थी लास्ट टाइम, वो सब सामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है, और इधर हमारे सैडल बैग वगैरह पड़े हुए हैं। बहुत देर से जो वीडियो नहीं डल रही थी उसके लिए सॉरी है, और बस ये छोटी सी अपडेट आपको देनी थी। बाइक अपनी रेडी है और बस तैयारी है।